हेलो गाइस, बहुत साल से मुंबई यूनिवर्सिटी से डिमांड था कि डिस्टेंस एजुकेशन में एमएमएस प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। तो फाइनली डिस्टेंस एजुकेशन में एमएमएस प्रोग्राम लॉन्च हो गया है। ओनली प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए डेट्स हैं 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो करने के लिए तो जल्दी से रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फ़ी जस्ट 500 रुपीज़ है एंड ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो वो घर से ही देने हैं, कहीं जाना नहीं है आपको। सो आप ये लॉग इन पेज पर जा सकते हैं। पहले लॉग इन पेज के पहले मैं आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? टू फाइनली गेट एडमिशन इन टू द एमएमएस प्रोग्राम यू नीड टू हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% इन ग्रेजुएशन फॉर ओपन कैटेगरी एंड 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो आप ये पेज पर जाकर साइन इन कर दीजिए। यहाँ पर जाकर अपना पर्सनल डिटेल्स, नेम, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस सब कुछ प्रॉपरली डालिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो रिजर्व कैटेगरी डाल दीजिए, क्योंकि फीस कम हो जाएगा बाद में। बाकी लास्ट एग्जामिनेशन पास विथ मैथ्स एस वन सब्जेक्ट हो। आप जो भी एग्जामिनेशन आपने पास किया रहेगा, एटलीस्ट एक मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब आपका जो लास्ट डिग्री जो लिया है वो। एरिया ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भी आपका पास का एरिया रहेगा वो डाल दीजिए। फिर अदर डिटेल में आपको लास्ट एग्जामिनेशन पास विथ वन मैथ्स एज वन सब्जेक्ट अगेन डिग्री डालना है। क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन डिग्री डालना है। फाइनल ईयर में हो, अभी तक डिग्री आपने लिया नहीं है तो फिर अवेटेड बताइए, या फिर अगर ऑलरेडी आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो पास बता दीजिए। फिर अपलोड फोटोग्राफ, अपलोड सिग्नेचर, 500 रुपीज़ फ़ी है। फिर लास्ट में कंफर्म एक बार वापस आपका इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर दीजिए। एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो एग्ज़ाम है ये आपको घर से देना है, कहीं जाकर देना नहीं है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सिर्फ 750 सीट्स है ये साल के लिए। सो टू बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन टू द प्रोग्राम यू नीड टू एटलीस्ट स्कोर अबाउ 750 रैंक। एंड दैट्स अबाउट इट। अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर कुछ आता है तो मैं आपके ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।